हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ, तो आज मैं अभी नहा के जस्ट आई हूँ, मैं रेडी होने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा ये लुक क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो बिना देर किए चले स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। ये वीडियो को जल्दी फिनिश करना क्योंकि मुझे मार्केट कुछ सामान लेने जाना भी। कोई भी मेकअप करने से पहले सबसे पहले आपको स्किन को हाइड्रेट करना है। स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं उसको यूज़ कर लीजिए, उसके बाद आप मेकअप का एप्लीकेशन करते हैं तो मेकअप आपकी स्किन के लिए हार्श बिल्कुल भी नहीं होगा। और वैसे भी करवा चौथ है तो पूरे दिन मेकअप में ही रहना है। मॉर्निंग का मेकअप अलग होगा, इवनिंग का अलग होगा, फुल डे मेकअप में रहना है, तो इसलिए स्किन की प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मॉइस्चराइज़ किया है मैंने अपनी स्किन को लैक्मे पीच मिल्क। अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये प्राइमर, बहुत ही अच्छा प्राइमर है स्टेक वर्की का और बहुत ही बजट फ्रेंडली है और लॉन्ग लास्टिंग बना देता है आपके मेकअप को। तो इसको मैं ज़रा सा लूँगी फिंगर टिप पे। बहुत ही स्मूथ बना देता है आपकी स्किन में, कहीं भी आपको अनइवन नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छा प्राइमर है। और ये मेकअप लुक भी बहुत अभी मॉर्निंग के लिए है तो बहुत ही लाइट सा मेकअप लुक है, तो जो मैं रेगुलर भी वेयर करती हूँ। अब मैं यहाँ बेस के लिए यूज़ कर रही हूँ सीसी क्रीम। पहले मैं फिंगर की हेल्प से इसको डॉट डॉट करके लगा लूँगी। आप कभी भी ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ मत करिए क्योंकि जो भी प्रोडक्ट होगा वो इसमें आ जाएगा और आपके फेस पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसको मैंने रोज़ वाटर से डैम्प किया और फिर इसको स्क्वीज़ कर लिया है। अभी ये ना तो ड्राई है और ना तो एक्स्ट्रा मॉइस्ट है, तो आप देख रहे हैं इसकी हेल्प से कितने अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है। अब मैं इसको सेट करने वाली हूँ बेस को एक पाउडर से, जो लैक्मे का रोज़ पाउडर है, मेरा मोस्ट फेवरेट है। इसी से मैं बेसिकली अपना बेस सेट करती हूँ। लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले लिप्स को हाइड्रेट कर लेंगे, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ हाइड्रोनिक का लिप बाम। ये बहुत ही अच्छा लिप बाम है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है लिप्स को। अब मैं अपनी ब्राउज को थोड़ा सा फिल इन कर लूँगी। ब्राउज को फिल करने के लिए अगेन मैं पॉप फिल का पैलेट ले रही हूँ, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है। आईब्रोज को ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी थिक है, बट थोड़ा सा यहाँ से लाइट सा दिखता है इसलिए मैं फिल करती हूँ, एक शेप मिल जाती है प्रॉपर। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ NYB का लाइनर, इसके लिए मुझे मिरर की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं दोनों साइड मैंने विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ कर लिया है और विंग्ड आईलाइनर ही मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत थिन आईलाइनर मैं कभी अप्लाई नहीं करती हूँ, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा। तो अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ काजल, इसके लिए मैं ले रही हूँ नायका रॉक द लाइन काजल। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ईजिली अप्लाई हो जाता है। इसके लिए भी मुझे अगेन मिरर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट स्टेप आता है, मैं अप्लाई करने वाली हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ मैबलिन का मिडनाइट डेट, सेड नंबर है 9। ये बर्गंडी सा कलर है, आपको पिक्चर्स में कुछ डिफरेंट दिखता है जब भी आप परचेज़ करते हैं और
थोड़ा सा डिफरेंट रिसीव होता है, ये ब्राउनिश बर्गंडी कलर है, बट ये भी अच्छा काफ़ी खूबसूरत शेड है। लिपस्टिक यूज़ करने से पहले मैं सिर्फ लिप बाम यूज़ करती हूँ, लिप लाइनर नहीं यूज़ करती हूँ। सिंदूर भी मैंने अप्लाई कर लिया है। लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ बिंदी, जो रेड कलर की बेसिक बिंदी यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। इवनिंग के टाइम में मैं हाथों में पहनूंगी अपने शादी वाले चूड़े, तो अभी मैं पहनने वाली हूँ ये कड़े जो मैंने मार्केट से परचेज़ किए थे। तो ये था मेरा फाइनल और फिनिश लुक, और ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक मेकअप है जो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, और मैं बेसिकली यही मेकअप करती हूँ। इसमें जो प्रोडक्ट मैंने स्किप किए हैं वो मैं ओकेजनली ही यूज़ करती हूँ, किसी शादी पार्टी या फंक्शन या करवाचौथ की इवनिंग में, तीज की इवनिंग में जो फाइनल मेकअप होता है उसमें मैं यूज़ करती हूँ। बेसिक मैं यही मेकअप यूज़ करती हूँ और ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। कंप्लीट मैरिड लुक जो होता है वो भी आपको देता है, एक बिंदी सिंदूर लिपस्टिक और रेड चूड़ियाँ, ये आपके लुक को कंप्लीट करती हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली से, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को ताकि मैं आपके लिए लाती रहूँ नई नई वीडियोज़। मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर, लव यू।